चलिए फाइनली अपन मकान में पहुंच चुके हैं। और भाई अभी 5 दिन यहीं पे हैं, तो यहाँ पे सफाई वगैरह काफी सारा काम है भाई, लेकिन ठंड बहुत खतरनाक लग रही है भाई। एसी को कम करना पड़ेगा भाई, वो से। हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसा कि आपको कहा था भाई, कल शाम को अपन चलेंगे भाई। कहाँ? कल शाम को निकलना, मतलब आज कल बताया था आपको भाई, आज ही अपने को चलना है जयपुर के लिए। कल गाड़ी आपके सामने चमकाई थी, तो भाई अभी सामान वगैरह रखा हूँ, डिग्री वगैरह फुल कर रखा कर रहा हूँ। तो भाई जयपुर जाके आया था कॉलेज से, कॉलेज जाने का काफ़ी सीधा नहाया धो के बढ़िया। अब टाइम हो गया भाई, टाइम की बात करते हो देखो 4:30 बजे ना, 5-6 बजे तक शायद निकल लेंगे। तो पहले सामान वगैरह रख लेते हैं और फिर निकलते हैं भाई। इसलिए ये देखो, ये कुछ नई रजाइयाँ थी, तो भाई यहाँ बक्से में पड़ी थी बिना फालतू में जगह रोक के, तो इनको भी जयपुर रख देंगे। और ये देखो भाई, ये गद्दे उद्दे पड़े थे मोटे मोटे भाई, बिल्कुल नए गद्दे थे, तो इनको भी वहाँ जयपुर रख देंगे। क्योंकि यहाँ पे तो टड़ा खूब सारा हो रखा है गाइस। तो यहाँ पे से बक्से में से निकाल के, बक्से में अंदर भाई बिना फालतू में भरे हुए थे, इससे बढ़िया कि यहाँ पे से निकाल के और जयपुर ले चलेंगे। और बाकी क्या है गाइस, बाकी तो आगे एक मेरा लैपटॉप बैग रखा है, इसको तो पीछे रख देंगे। और बैठने की जगह भी यहीं पर ही है सब, अभी तो और सामान आया गाइस। चलो अब निकलेंगे, तभी मिलता हूँ भाई मैं आपसे। भाई गर्मी काफ़ी तेज़ हो रही है कि बाकी ये देखो भाई, क्या ही खतरनाक धूप पड़ रही है ना भाई, बहुत खतरनाक गंदे लेवल पे धूप पड़ रही है। और भाई ये देखो, कल बताया था ना मैंने आपको, गाड़ी का कलर एक नंबर चमक के आ गया है। ये देखो भाई, धुलने के बाद मस्ती लगती है भाई गाड़ी। भाई ये देखो अपनी घड़ी, रात में रेडियम होता है ना, रात का थोड़ी अंधेरे के अंदर रेडियम है ना भाई, कितना मस्त लग रहा है भाई ये देखो। और भाई ऐसा ही सेम मेरी साइकिल पे अभी यहाँ पे खड़ी है, लेकिन अभी वो दिख रही नहीं होगी भाई, उसके आगे खाट वगैरह लग रही है। बाकी ये देखो भाई घड़ी, टाइम बता सकता है इसका कोई एस्टिमेट अनुमान लगा के कि भाई टाइम मेरे हिसाब से 4:30 हो रहे होंगे। गेट खोल के देखते हैं कितना टाइम हो रहा है। ये देखो भाई 4:30 ही हो रहे हैं, 4:20 एक तरह से भाई चिपक ली थी खतरनाक। चलो भाई पानी वगैरह डाल देते हैं अपने इन पेड़ों के अंदर। भाई ये देखो, ये इन्वर्टर भी अब चलता रहेगा बेचारा 5-7 दिन बिना फालतू में। बाकी पानी देखो भाई आ रहा है कि नहीं, थोड़ा टाइम लेता है भाई, मोटर अपनी थोड़ी ऐसी है डीली, उठाने में टाइम लेती है। कहाँ गई ये, निकल रहा है धीरे धीरे निकलेगा। और भाई ये देखो, इसके अंदर काफ़ी सारे पेड़ उग रहे हैं अपने, जैसे बील पत्थर का भी छोटा ही थे भाई। और ये देखो भाई, बीच में नींबू का हो गया, ये दो चीकू के पेड़ हो गए, सामने धनिया भी काफ़ी सारा उग रहा है भाई, कहीं पीछे से कोई तोड़ ना ले जाए अपने। और ये देखो भाई, इधर आलू उग रहे हैं मेरे, एक बार तो निकाल लिए मैंने आलू, आपको दिखाया नहीं। बाकी ऑल राइट बॉयज एंड गर्ल, लेडीज एंड जेंटलमैन, तो गाइस अपना सारा काम है जो डन हो चुका है, गाड़ी के अंदर सामान वगैरह रखना था वो सारा डन हो चुका है, बस घर के लॉक वगैरह लगाना है। लेकिन उससे पहले, चलने से पहले एक बार अपना गाड़ी का जो ग्लास है उसको साफ कर लेते हैं भाई। कल गाड़ी धोई थी, एक बार अपना स्प्रे उसको मारते हैं और एक बार जो पेपर है उससे क्लीन कर देते हैं, क्योंकि भाई अभी शाम हो चुकी है, तो भाई रात को थोड़ा क्लीन चाहिए, रात हो जाएगी पहुँचते पहुँचते, इसलिए क्लीन चाहिए। तो भाई चलिए साफ करते हैं, उसके बाद निकलते हैं। सबसे पहले तो एक बार ये माइक्रोफाइबर क्लॉथ से इसकी मिट्टी हटा देते हैं, ताकि जितनी भी मिट्टी जम रही है ये पूरी क्लीन हो जाए। और भाई गर्मियों के अंदर मिट्टी भी बहुत ज़्यादा उड़ती है, इसलिए एक बार साफ़ करना ज़रूरी है भाई। मेरे को तो लग रहा है इस पर करने की जरूरत ही नहीं है, इस पर शायद गर्मियों का टाइम है ना भाई, मिट्टी वगैरह उड़ती है बस, और तो यार कुछ गंदगी है नहीं। बाकी कल लग रहा था मेरे को कि भाई साफ़ करने की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन अब तो इस पर मारने की ज़रूरत भी नहीं है। और क्यों नहीं है, क्योंकि भाई कल पानी से बिल्कुल साफ धुल गई थी, सरफ वगैरह लगा के धुली थी, तो अब मेरे को लग रहा नहीं है बाकी जरूरत तो नहीं गाइस। फिर भी मार ही देते हैं एक बार। ये लो गाइस, सब चमका दिया है भाई, चमका दिया पूरी गाड़ी को। बाकी मिट्टियाँ तो भाई तगड़ी उड़ती है भाई, ये देखो हैंड टू हैंड मिट्टी बैठती है भाई। और ये जो ग्लास वगैरह है गाड़ी का, इसमें कभी साफ़ नहीं करता, पहली बार ही कर रहा हूँ भाई ये ग्लास वगैरह। एक फ्रंट वाला बस हमेशा साफ रखता हूँ, ताकि गाड़ी चलाने में अपने कोई प्रॉब्लम ना आए। ये डीओ वो पड़े रहते हैं गाइस, गर्मियों के अंदर बहुत ज़्यादा काम आते हैं ये, डिग्गी तो खोल दें। और ये देखो भाई, ये अपने शिफ्ट के अंदर है, तो यहाँ से आता है डिग्गी खोलने का। और कई लोग क्या करते हैं भाई, ये क्रोम आता है ना क्रोम, इसको ऐसे यहाँ से खोलने की कोशिश करते हैं, और भाई इस चक्कर में मेरा क्रोम का जो प्लास्टिक आता है ना लॉक, वो भी टूट गया भाई यहाँ से। एक और दो जगह तो फिट है, लेकिन गाइस यहाँ से किसी ने कर दिया भाई डिग्गी खोलने के चक्करों में। और भाई ये कॉर्नर में पड़ा पड़ा, यस ये ढुल गया था गाइस पूरा कल। थोड़े अपने को पेपर चाहिए, तो पेपर तो नीचे दब रहे हैं, लेकिन निकाल लेंगे।
गाड़ी जो पेड़ पे पेड़ के पास खड़ी थी यहाँ पे, और भाई हैंड ब्रेक मैंने डाउन कर दिया। और भाई जो अपना नीचे वाले ब्रेक रहते हैं आपको पता है गाइस, ये लोग जाते हैं 102 बार प्रेस करने के बाद में, और भाई गाड़ी मेरी एकदम से आगे चढ़ने लग गई। मैं भाई बोतल के अंदर इस वाली बोतल से ना ट्रांसफर कर रहा था पानी इस वाली बोतल के अंदर ताकि भाई ठंडा रह जाए पानी। भाई एकदम से गाड़ी चली भाई, बॉल वाल बच्चे भाई, ये देखो यहाँ पर भिड़ जाती गाड़ी खतरनाक। ये देखो भाई हल्का सा पेड़ बताया नहीं भाई, इसके अंदर भी ये कांच का नुकसान हो जाता भाई। और सही टाइम पर मैंने हैंड ब्रेक खींच दिया, एकदम से ब्रेक को पूरा प्रेस कर दिया दबा के लगाया कहीं। चलो भाई सफ़र के अंदर पानी ज़रूरी है, जो भी ठंडा बिल्कुल। और अब चलाएंगे गाइस फुल एसी बढ़िया, और फिर चलते हैं जयपुर। ये ऑन कर दी, थोड़ा इग्निशन पर रखते हैं गाइस गाड़ी को, ऑन करते हैं। अब ये थोड़ा कांच खोलता है इसके अंदर की गर्मी के, भाई पूरी दोपहर है जो देखो गाइस धूप में खड़ रहती है गाड़ी, तो थोड़ी इसकी जो गर्मी है अंदर की वो भी निकल जाएगी। बाकी इस लैपटॉप बैग को पीछे रखना है, और एक बोतल को इस बोतल होल्डर में रख देते हैं गाइस, बिस्लरी की बिना फालतू में पड़ी है, इसको फेंक दो भाई पीछे। चलो भाई अब निकलेंगे मनोहरपुर को, बाय बाय बोलेंगे भाई। अब तो गाइस काफ़ी सारा जाम वाम मिलेगा, मोटरसाइकिल हटानी पड़ेंगी तो भाई अब बीच में लाग रस्ते रस्ते में। ये देखो भाई ये बंदर को लास्ट बार देख लो, 5-6 दिन बाद मिलेंगे फिर इनसे एक साथ में। भाई एसी ऑन करते ही भाई गाड़ी के अंदर क्या ही सुख मिला है ना भाई, क्या ही बताऊँ आपको भाई, मजा आ गया भाई, सुख मिल गया जिंदगी का गति। भाई मनोहरपुर को अलविदा बोलते हैं 5-6 दिन के लिए, बाकी फिर से आएंगे दोबारा। बाकी ये देखो भाई अभी वहाँ पर लग रही थी एक मोटरसाइकिल, उसको हटा के फिर आना पड़ा है भाई। और ऐसी गंदी हालत है नगर पालिका बनने के बाद भी, यहाँ पे ना तो रोडें सुधरी है ना यहाँ के आदमी, और इनके खुर्रे टूट गए ना गाइस, फिर भी निकाल लिए भाई ये। तो भाई तेल की तो आधी टंकी पड़ी है, लेकिन और डाल लेते हैं 1,001 रुपये का डलवा लेते हैं, फिर भी कभी आएंगे जाएंगे जब दोबारा डलवाना नहीं पड़ेगा। तो भाई ये देखो, और प्राइजिंग की बात कर तो भाई ये देखो 105 चल रहा है पेट्रोल, डीजल चल रहा है 90 और पेट्रोल चल रहा है 105। उधर वो थी उसकी डेंसिटी गाइस, ये देखो भाई क्या ही बढ़िया लग रहे हैं वैगनार के अलॉय व्हील, और सामने का व्यू देखो भाई। लो भाई पहुंच चुके हैं भाई इस गर्मी भरे जयपुर के अंदर, भाई इतनी तो भीड़ हो रखी है। चलो भीड़ की कोई दिक्कत नहीं है, भीड़ तो भाई रहती है, जहाँ पे इंसान रहते हैं वहाँ भीड़ रहती है, और कुछ नहीं रहता भाई। गर्मी इतनी सारी भाई शाम के टाइम पे भाई, अब की बार गर्मी बहुत तगड़ी पड़ रही है भाई, और ये जयपुर में नहीं भाई हर जगह गर्मी खतरनाक हो रखी है भाई। ये देखो भाई मैं हैंडलूम के बाहर लगाया हूँ भाई गाड़ी, अब यहाँ पे अपने को 200 रुपये मिल चुके हैं खाने के लिए, तो चलो कुछ नाश्ता वगैरह कर लेते हैं। तो बर्गर खाने का मन, तो भाई बर्गर ही खाएंगे, पिछली बार खा के गया था वहाँ पे लास्ट में, दुकान आपको दिखाता हूँ अभी, तो बर्गर खाएंगे और कुछ ज़्यादा खाएंगे नहीं, या फिर पनीर टिक्का भी बढ़िया होता है गाइस, पनीर टिक्का खा लेंगे। चलो भाई गाड़ी को लगा दिया, पैसे उठाते हैं और यहाँ से होते हैं कल्टी। तो भाई ये देखो गाड़ी को यहाँ पार्किंग में लगा दिया है रोड पे, अपने ग्लास को बंद करें ताकि भाई किसी को प्रॉब्लम ना हो भाई, और चलते हैं भाई अपने कुछ खाएंगे पिएंगे मौज लेंगे गाइस। और यहाँ का फास्ट फूड है वैसे ही खतरनाक फेमस, तो दुकानें कहाँ गई भाई, यहाँ पे थी दुकानें पहले। ये देखो आ चुके हैं भाई फुल स्ट्रीट फूड मस्त है। अब कुछ भाई यहाँ पे एनी टाइम फुल, इतनी तो भाई इतनी स्टॉल से भाई क्या ही बताऊँ आपको, अगर आप एक बार पैसे लेके आओ आपके 500 रुपये कहाँ गायब हो जाएंगे खाने खाने में पता नहीं पड़ेगा, लेकिन अपने को इन ठेले वालों के पास नहीं लेना है, क्योंकि भाई इनके पास खूब बार खाते हैं तो सारा एक्सपीरियंस ले रखा है भाई, ये बच्चा उड़ाएगा भाई किसी को। ये देखो भाई और ये अपना नेशनल हैंडलूम के पास जूस भी काफ़ी अच्छा मिलता है भाई, जूस बाद में पियेंगे, पहले अपना बर्गर पैक करवाते हैं और एक खा लेते हैं भाई। तो भाई अभी अपन ने बर्गर तो ऑर्डर किया नहीं, पनीर टिक्का ऑर्डर कर दिया भाई, हेल्दी भी रहता है पनीर टिक्का, सारा काम बढ़िया रहता है, तो बस जल्दी से आता है फिर खा लेते हैं और फिर गाड़ी के अंदर ही बैठ जाएंगे भाई। फिर घर वाले तो भाई शॉपिंग वगैरह करेंगे कुछ, तो भाई उनको कर लेना, तो अपना काम है खाने पीने का और मौज लेने का, अपन तो ड्राइवर आते हैं भाई बस इतना ही काम रहता है अपना। ये देखो अभी अपना पनीर टिक्का आ चुका है भाई, अब मस्त भाई फुल पनीर के अंदर फुल प्रोटीन ले लेंगे भाई, और टाइम भाई देखो 7 बज चुके हैं भाई ऑलमोस्ट, और अभी एक बर्गर भी पैक कराना है, तो भाई ये देखो बर्गर की वैरायटी ऐसी है 40, 50, 60, 70, तो इनमें से कोई सा बर्गर पैक करा ले चलेंगे, बस इतना ही खाएंगे गाइस, ज़्यादा फास्ट फूड भी बढ़िया नहीं है, वैसे फास्ट फूड तो नहीं है गाइस, वैसे प्रोटीन है पूरा पनीर। तो पनीर टिक्का खाने के बाद में अपने भाई ये देखो नेशनल जूस से सही कर दिया भाई, यहाँ पे अपन ने 2 बर्गर ऑर्डर, उनको चल के खा लेंगे भाई घर पे, और भाई अभी यहाँ पे जूस और पी लेते हैं बस, फिर अपना काम हो गया डन, ठीक है। चलो फिर आपसे मिलेंगे भाई, टाइम देखो भाई 7 बज चुके हैं ऑलमोस्ट पूरे पूरे, पिछली बार पनीर टिक्का खाया था तो भाई यहाँ से खाया था, यहाँ पे बढ़िया था वहाँ पे बढ़िया गाइस, लेकिन वहाँ पे थोड़ी बैठने का सही अरेंजमेंट है यहाँ पे भी है, लेकिन अब की बार वही है बस, थोड़ा चेंज कर करके देखना चाहिए
और ये देखो भाई पाव भाजी क्या ही मस्त लग रही है। लेकिन भाई मेरे को 200 रुपये दिए थे घर वालों ने, वो मैंने पूरे खा लिए। ये देखो दो बर्गर भी पैक करा लिए। ये देखो भाई, चलो भाई अब अपनी गाड़ी को ढूंढते हैं। गाड़ी कहाँ लगाई थी अपन ने? गाड़ी यहीं पे लगाई थी भाई सामने। देखो भाई ये लग रही अपनी गाड़ी बिल्कुल सेफ जगह, बिल्कुल ऐसे टच करके लगा दी आई। मेरा गेट तो खुल जाएगा ना भाई। मेरा इसके अंदर गाइस सेल ख़त्म हो रखे हैं बहुत दिनों से, पता नहीं कब आएंगे इसके दिन। गाड़ी में बैठ जाता हूँ गाइस, अब तो खा पी तो लिया ही, पेट बढ़ गया भाई पूरा, तो अब गाड़ी में बैठना सही है। और भाई शाम का टाइम हो गया ना, तो भाई थोड़ा अंधेरा भी कम, जो अंधेरा हो गया पूरा तो शाम का टाइम, भाई मैं ऐसे बोलता शाम का टाइम हो गया तो उजाला भी काफ़ी अच्छा हो गया। वही है गाइस, अब लोग बनाते नहीं, बनाते तो फिर ऐसे फालतू बनाते रहे। भाई ये देखो पीछे देखो भाई क्या माहौल रखा है, फुल बैग्स और वगैरह जो अपने गद्दे वगैरह हैं भाई, सारा सामान ऐसे ही पड़ा है फुल। अब ये बर्गर और बेचारा कहाँ रखे, इसको पीछे ही रख देते हैं भाई, यहीं पे रख देते हैं, ख़राब तो होगा नहीं। और यहाँ पे लड्डू गोपाल जी बैठे हैं क्या बेचारे, टोकरी के अंदर बैठे हैं बेचारे गर्मी में। भाई लड्डू गोपाल जी की इज्जत नहीं करोगे तो आपकी इज्जत कोई नहीं करेगा, इसलिए लड्डू गोपाल जी की इज्जत करना ज़रूरी है भाई। क्योंकि भाई मकान पे आए थे, जिनको घर पे तो छोड़ के आ नहीं सकते थे, इसलिए इनको साथ लाना ज़रूरी था। तो इनकी पगड़ी वगैरह सेट कर दी। ये देखो भाई मिल लो अपने लड्डू गोपाल जी से। और ये महाकाल है अपने, और ये आरे का सहारा है भाई, बाबा श्याम हमारा है भाई। कांच खोलने पड़ेगा जब ही जाके कहीं अपने को थोड़ा रिलीफ मिलेगा। भाई चाबी तो बाहर ही लग रही है भाई, ऐसे भूल जाता हूँ भाई, जब भी चाबी ऐसे कर देता हूँ ना भाई, ये चाबी है ना बटन वाल, तो बटन तो क्या बंदा हा भाई, क्या हवाई भाई। तो भाई अभी मेरा कोई काम तो है नहीं भाई, कि भाई बस मैं भी यहाँ पे बैठा रहूँगा, 7:10 हो गए और कम से कम 8 या 9 बजे तक मैं घर पे पहुँचूंगा, जब तक घर वाले शॉपिंग कर रहे हैं। तो भाई उसके बाद में ही है, तो अब इतना टाइम तो भाई मेरे को गाड़ी में बैठा रहना पड़ेगा। तो चलिए गाइस आपसे मिलते सीधा घर पे चल के, और घर पे चल के आपको दिखाएंगे कुछ, और उसके बाद में कर देंगे ब्लॉग को एंड। कपड़ी पीने के बाद यहाँ पढ़ने ले लिए सॉफ्टी भाई, चलो गर्मी के मौसम में बार बार नहीं आते, तो ठंडी चीज़ें बढ़ती है भाई डेली। फास्ट फूड से फुल करने के बाद में पेट को, और अब निकलते हैं भाई घर के लिए, चलो। तो भाई ये देखो रात का टाइम हो चुका है, तुम्हारा भाई पहुंच चुका है अपने मकान के ऊपर। तो भाई ये देखो जो दो बर्गर पैक करा के लाया था, तो भाई उनका सर्वाइव कर दिया है, सर्वाइव क्या सर्व कर दिया। और भाई देखो भाई 16 पे चला दिया ऐसे, बिल्कुल चिल्ड कमरा हो रखा है, एक नंबर माहौल हो रखा है। और ये देखो भाई गोविंद देव भाई 50 रुपये के हिसाब से तो भाई बर्गर तो एक ही नंबर दिया है भाई। ये देखो टिक्की वगैरह मोटी मोटी और बढ़िया चीज़ी बर्गर, फुल चीज़ी कर दिया भाई, 50 रुपये अंदर क्या ही आता है भाई। ये देखो भाई फुल मस्त मोटा भाई, इसकी साइज देखो भाई, ये मोटा इतना मोटा, ये देखो भाई इतना मोटा बर्गर है, मस्त। चलो भाई खाते हैं भाई ठंडे ठंडे कूल कूल कमरे के अंदर बढ़िया मस्त। तो भाई ये देखो, तो भाई चलिए फाइनली अपन मकान पहुँच चुके हैं। और भाई अभी 5 दिन यहीं पे हैं, तो यहाँ पे सफाई वगैरह काफ़ी सारा काम है भाई, लेकिन ठंड बहुत खतरनाक लग रही भाई, एसी को कम करना पड़ेगा भाई। वो रिमोट रिमोट के लगाए थे पहले भाई, बहुत मुश्किलों से मिला रिमोट, पता नहीं कहाँ रखे पहले गए थे, तो इसको ऑन किया, उसके बाद में आने वाले अब जाए कमरा ठंडा हुआ है भाई, गर्मी खतरनाक पड़ रही है। तो भाई चलिए आज के स्लॉग को एंड करेंगे, बाकी आपको बताना आपकी आज के स्लॉग में आपको क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक करना, बुरा लगा तो डिसलाइक कर देना। चलिए भाई आज के स्लॉग को एंड करेंगे, बाकी इसी बर्गर के बाइट के साथ में, पहले अपनी 3 फिंगर क्लॉक के साथ में। Yummy, yummy. बिल्कुल टेस्टी बर्गर गाइस। अगर आपको भी हैंडलूम के सामने से लेना है तो गाइस आप नेशनल जो शेक एंड जूस वाली दुकान है वहाँ से आप बर्गर ले सकते हैं भाई, काफ़ी मस्त है भाई, और पेटी भी काफ़ी मोटी दी है, और ओनली 50 रुपीज़ के अंदर भाई, क्या मस्त बर्गर बना दिया, एक नंबर, बिल्कुल वर्थ इट है गाइस पैसों के हिसाब से। चलिए गाइस आज किस ब्लॉग को एंड करते हैं, मिलता हूँ किसी ऐसे न्यू ब्लॉग के साथ, बाय, थैंक्स फॉर